गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग नेचर से जुड़ी कुछ बातें करने वाले हैं और नेचर से जुड़ी कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। आज हमारे व्लॉग में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, सब कुछ जो मैंने लगा के रखे हुए हैं। और मेरा बगीचा भी देखने को मिलेगा आपको, छोटा सा प्यारा सा, उसमें बहुत कुछ है। छोटी सी जगह में मैंने बहुत कुछ लगाया हुआ है, तो मैं आज आप लोगों को ये दिखाऊंगी। और मैंने बहुत दिन से व्लॉग नहीं डाला है, तो मैंने सोचा कि आज मैं एक व्लॉग डाल देती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि मतलब स्टडी भी करना रहता है, क्लास 11th है मेरा, तो स्टडी भी करना रहता है, तो मतलब वीडियो बनाने के लिए उतना टाइम ही नहीं मिलता। ऊपर से जब टाइम रहता तो फ़ोन नहीं रहता, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ ज़्यादा। लेकिन आप लोग, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे वीडियोस नहीं देखेंगे, लाइक कमेंट नहीं करेंगे, वो तो आपको करना ही करना है। लाइक करने की कोई वो नहीं है, पसंद आए तो ही करिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके। और देखिएगा भी, मुझे यकीन है कि आप लोगों को जो भी थोड़ा बहुत मैं बनाऊँगी वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारी गली है, जहाँ अंदर मैंने पेड़ लगा के रखा है। यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली रहती है, फैमिली के सब मेंबर्स यहीं पे रहते हैं। ये हम आ चुके हैं अपनी गली में और यहीं पे हमने पेड़ पौधे लगा के रखे हैं। अंदर ये रहा, देखा, अब हम अंदर चलते हैं। बारिश हुई थी कल रात में, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इलाहाबाद में, इतना कि मतलब 3-4 घंटे लगातार बारिश हुआ था। तो मतलब हर जगह पे ज़मीन काफ़ी गीली है। ये देखिए, ये देखिए, बिना पेड़ लगाए पेड़ उगे हुए हैं। ये गुलाब का पेड़ है, ये करेला है, और ये रहा हमारा, और ये रहा मौसम्बी है, ये मैंने लगाया है। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें हम लोग लगा के, मतलब इससे दो फायदे होते हैं। इससे ये कि मतलब हवा भी लगती है और फल भी खाने को मिलते हैं, हरा हरा नेचर अच्छा लगता है। और उसके बाद हाँ, तो ये देखिए, ये मैंने पेड़ लगाया हुआ है, छोटी सी जगह है ये, और छोटी सी जगह में काफ़ी कुछ लगा दिया है मैंने। बहुत मेहनत लगी थी इसको लगाने में, काफ़ी दिन से लगा हुआ है ये सब, मतलब करीबन मतलब 1 साल से ये सब लगे हुए हैं। सूख जाता है, फिर पानी डालती हूँ, फिर हरा हो जाता है, फिर सूख जाता है जब गर्मी का मौसम आता है तो। लेकिन इस टाइम बारिश हुई है तो एकदम हरे हरे दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये अमरूद का पेड़ है, और ये भी फूल का पेड़ है, ये भी फूल का पेड़ है। और बाकी सब तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन हाँ, जितने भी पौधे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपने खुशी जी कौन कौन से पौधे लगा के रखे हैं। इससे क्या होगा पता है, यहाँ पे बैंगन का पेड़ भी था लेकिन वो सूख गया है। और ये रहा हमारा अमरूद का पेड़, ये देखिए, ये बैंगन का पेड़ है। तो इसी तरह से हम ढेर सारे पौधे लगाकर अपने नेचर को बचा सकते हैं, और साथ ही साथ हमें खाने को भी फायदा हो जाएगा। तो आप लोग भी गार्डनिंग करना पसंद करते हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस किस को गार्डनिंग अच्छी लगती है, नेचर से प्यार है? ऐसे तो बाकी सभी को, इंडियंस में तो सभी को प्यार होता है नेचर से, तो मतलब सभी को होगा, लेकिन फिर भी कौन अपने घर में गार्डनिंग करता है, कौन मतलब छोटी सी जगह में भी गार्डनिंग करता है, चाहे 2 ही पौधे लगाए लेकिन लगाता है, वो ज़रूर मुझे बताइएगा। हम जब अकेले होते हैं तो मतलब पौधों का सहारा ही बहुत होता है। जब भी मैं गुस्सा होती हूँ या फिर दुखी होती हूँ या
मम्मी डांट देती है, तो मतलब मैं यहीं पे आके बैठ जाती हूँ ताकि कोई मुझे आके मना ले। फिर मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ आधे घंटे एक घंटे यहीं पे बैठी रहती हूँ। फिर कोई आता है मनाता है, चलो खाना खा लो, ये कर लो वो कर लो, तो मतलब मैं बैठती ही यहाँ पे इसीलिए हूँ ताकि लोग मुझे आके मनाएं। इसीलिए आप लोग भी गार्डनिंग करिए और जब गुस्सा हो जाइए तो यहीं वहीं जाकर बैठिए, अच्छा भी लगेगा और थोड़ी देर बाद आके कोई मना भी लेगा। इससे दो दो तीन चार पाँच पाँच फायदे होते हैं। अब हम चलते हैं घर पे। हमने देख लिया अपने पेड़ पौधों को, घर पे चल रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूल का टाइम हो रहा है, तो अब हमें स्कूल के लिए जाना पड़ेगा। अब हमारे स्कूल का टाइम हो गया है, 7 बजे का मेरा स्कूल है, इस समय 6 बज रहे हैं, तैयार होकर स्कूल भी जाना है। बहुत मुश्किल से मैंने व्लॉग बनाया है, पता है पहली बात तो यही नहीं समझ में आता कि मतलब व्लॉग में बनाए क्या। दुनिया में इतने सारे लोग इतना कुछ व्लॉग में बना दिए ना कि कुछ बचा ही नहीं है व्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मेरे नेचर से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। हम आ चुके हैं अपने ऑन हाउस, सब कुछ हो गया है, मैंने आपको अपना गार्डन भी दिखा दिया, अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। सब लोग उठ गए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर का हाल क्या है। ये मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे से छोटा है लेकिन भाई का बड़ा है, और ये अभी तक सो रहा है। पंखे की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने पंखे को बंद कर दिया। ये रहा मेरा भाई, ये अभी सो रहा है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, उठने के बाद वीडियो नहीं बन सकता है, ठीक है। और अभी तक मेरे घर पे सब लोग सो रहे हैं, 6 बज गया है, उसके घर पे 4 बजे उठ जाते लेकिन मेरे यहाँ 6 बजे तक सो रहा है, 7 बजे भी तक सो सकते हैं अगर ठंडी हवा लगती है तो। हमारे लिए अच्छे नहीं होते ना, तो जल्दी उठ जाए। देख सकते हैं कि हमारा ब्लॉग बनकर कंप्लीट हो चुका है और आज ये ब्लॉग रात को 8 बजे अपलोड हो जाएगा। और आप लोगों को इस वीडियो को फुल देखना है, फुल शेयर लाइक कमेंट सब कुछ करना है। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी इसका मुझे थोड़ा बहुत यकीन है, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आज रात को ये अपलोड होगा। लाइक कमेंट शेयर
और इंस्टाग्राम पे मैं इसका स्टेटस लगाऊंगी, तो आप सभी लोग देखिएगा, मेरे इंस्टाग्राम्स के फॉलोअर्स ही इन वीडियोस को देखिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करिएगा।